सीरियल जीजी माँ में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां उत्तरा देवी के हाथ लग गई है मेडिकल रिपोर्ट, जिसका इंतजार फाल्गुनी को बेसब्री से था और वो आज मिला भी तो खो गया। जी हाँ, जिस मेडिकल रिपोर्ट से फाल्गुनी अपने ऊपर लगे इल्जामों को गलत साबित कर सकती थी, खुद को बेगुनाह साबित कर सकती थी, आज वही मेडिकल रिपोर्ट्स चोरी हो गए हैं और ये चोरी की है उत्तरा देवी के खास शोम ने। ये मैं सिर्फ अपने खिलाफ सबूत है, वो नहीं जला रही हूँ। फाल्गुनी को अपने आप को बेकसूर साबित करने के सामने मुझे जेल में भेजने की उम्मीद है, सब कुछ जला। उत्तरा देवी की मदद करने वाला शोम तब हक्का बक्का रह गया जब उत्तरा देवी ने शोम पर तान दी बंदूक, लेकिन ये बंदूक असली नहीं बल्कि नकली थी, जिससे उत्तरा देवी ने अपने खिलाफ सबूतों को जला दिया। पता था मुझे मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो राधा जी के कोर में नर्स कौन है? रीना चाची। रीना चाची शोम उसके पास जाएंगे और वो सारे सबूत लेके पुलिस स्टेशन। लेकिन अब उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मायूसी के। अब मैं आजाद हूं शोम, मैंने हमेशा हमेशा के लिए मेरे सारे पाप धो डाले हैं। और आखिरकार उत्तरा देवी ने अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाकर फाल्गुनी के घर वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इतनी नादान थी मेरे को, उसे लगा था मुझे गोवा जाने देकर मुझे बहुत बड़ा एहसान कर रही है, मेरे परिवार के साथ समय बिताने का मौका दे रही है। समय तो मुझे चाहिए था मेरे खिलाफ उसके पास जो सबूत है वो मिटाने के लिए और उसके खिलाफ सबूत बनाने के लिए। बेचारी को लगा था कि गोवा के वो दिन मेरी खुशियों के आखिरी दिन, लेकिन देखो गोवा के वो दिन उसकी खुशियों के आखिरी दिन। वहीं दूसरी तरफ फाल्गुनी और नियति का रिपोर्ट्स के खो जाने की वजह से रो रो कर बुरा हाल है, जिसके चलते फाल्गुनी नियति को हिम्मत रखने को कहती है। हिम्मत पर था, अभी भी एक रास्ता है हमारे पास। उत्तरा देवी ने चाहे जीनू चाची के घर से वो रिपोर्ट्स चुरा ली, लेकिन उनके खिलाफ असली सबूत उनका ब्रेसलेट, उनके बालों का वो सैंपल, सब कुछ पुलिस स्टेशन में है। हम उत्तरा देवी का डीएनए सैंपल कानून की मदद से फिर से ले सकते हैं। वेल, अब फाल्गुनी इस नई मुसीबत से खुद को कैसे बाहर निकालेंगी और अपने ससुराल में फिर से अपनी जगह कैसे बनाएंगी, ये जानने के लिए आपको करना होगा हमारी अगली अपडेट का इंतजार। मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24।